स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। इसका मतलब है कि उस छलायन से ऑलरेडी एक और छलायन बन चुकी है। छलायन, वो क्या चीज होती है? छलायन भी एक डायन होती है, लेकिन वो हम डायनों से थोड़ी डिफरेंट होती है। ये एक पैरासाइट होती है, मतलब परजीवी। अरे सुनो यार, तुम तारीफ का करने लगी परजीवी और ये। हेलो सुनो पिया, सुनो ऐसा है कि ये छलायन की तारीफ बाद में सुनना, पहले हमारी काम की बात सुनो। मुद्दा ये है कि इन्हें खाने मत देना। कहा है कि अगर ये खाई तो इनका परिवार बढ़ने लगेगा, और परिवार नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया इनका परिवार। ऐसा है कि परिवार बढ़ाने की गतिविधि के बिना ही बढ़ जाता है, साला अपने आप ही सिस्टम लोड हो जाता है इनका। भैया सारा खाना खत्म हो गया, अब क्या खाएंगे? ले लो, राशन भी खत्म हो गया। अब इसका एक ही इलाज है, हमें जाकर और राशन लाना पड़ेगा। भैया क्या सोच रही हो? आज तुम्हें याद है रूबी पापा पर क्या फेंक रही थी? लाल मिर्च पाउडर। हाँ, मुझे माने एक बार बताया था कि लाल मिर्च का पाउडर एक खास तरह की डायन को भगाने के लिए भी काम आता है। भैया तुम कहना क्या चाहती हो? कहीं रूबी भी वही तो करने की कोशिश नहीं कर रही थी? वो कह रही थी ना, वो पापा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमें लगा वो पापा पर अटैक कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं वो सच में पापा की मदद करने की कोशिश कर रही हो? अरे रूबी जी, रूबी जी सुनिए 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 सुनिए, शेखर जी खाए जा रहे हैं क्या? हाँ, मतलब खाए जा रहे हैं बिल्कुल नॉर्थ इंडियन बरातियों की तरह। हाँ, तब तो फिर उनका कंधा भी ऐसे आगे की तरफ झुका होगा। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि हम जो हैं बुद्धि और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, और हम जानते हैं ये सारे लक्षण छलायन के हैं। क्या हुआ, इंप्रेस हो गई ना हमारे कंचा दिमाग से? तुम छलायन के बारे में कैसे जानते हो? अरे वो सब छोड़ो, तुम्हें हमारी मदद चाहिए ये बोलो। सब खत्म हो गया, बहुत भूख लगी हुई है, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है। अरे आप लोग वहां कहाँ ढूंढ रहे हैं? खाना यहाँ पर है। थैंक यू सो मच भाभी, बहुत भूख लगी हुई है। ये सब क्या है? अरे हमने अभी तो आपको बताया कि हम ऑलमोस्ट रीवावंशी बन चुके हैं, और ये तो हमारा PhD है छलायन पे, मतलब रिसर्च वर्क चल रहा है हमारा। अगर तुम्हारी सेल्फ तारीफें खत्म हो गई हो तो पॉइंट्स पे आओगे नमन? हाँ, देखो हमने जो रिसर्च किया है उसमें ये है कि ये जो छलायन है ये जब किसी पे सवार होती है तो बस ये उसी के खाने पे जीवित रहती है, और जैसे ही उसके सारे सफेद बाल पूरी तरीके से काले हो जाते हैं उसमें से एक और छलायन पैदा होती है, और उसी परिवार के एक बंदे पे वो सवार हो जाती है, और ऐसे ही धीरे 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 करके उसका परिवार बढ़ता रहता है और एक एक करके सबके कंधे पे सवार होता रहता है। एक मिनट, ठीक है, ये बाल मुझे वहां मिला था, मुझे लगता है ये बाल छलायन का है, क्या हम इससे कुछ पता लगा सकते हैं? अरे लेकिन इसमें तो एक काला है और एक सफेद है। ओह नो, ये एक बाल से दो बाल कैसे बन गए? अरे तो ठीक है, लेकिन इसमें से एक बाल काला कैसे है? कहीं दूसरा वाला तो नहीं इसको डाई कर दिया? शट अप नमन, इसका मतलब है कि उस छलायन से ऑलरेडी एक और छलायन बन चुकी है। छलायन, वो क्या चीज होती है? छलायन भी एक डायन होती है, लेकिन वो हम डायनों से थोड़ी डिफरेंट होती है। ये एक पैरासाइट होती है, मतलब परजीवी। अरे सुनो यार, तुम तारीफ का करने लगी परजीवी और ये। हेलो सुनो पिया,
सुनो, ऐसा है कि ये छलायन की तारीफ बाद में सुनना, पहले हमारी काम की बात सुनो। मुद्दा ये है कि इन्हें खाने मत देना। कहा कि अगर ये खाई तो इनका परिवार बढ़ने लगेगा, और परिवार नहीं हो गया पता नहीं क्या हो गया। इनका परिवार ऐसा है कि परिवार बढ़ाने की गतिविधि के बिना ही बढ़ जाता है, साला अपने आप ही सिस्टम लोड हो जाता है इनका। तो हम जो तुमको कह रहे हैं कान खोल के सुन लो, बड़े चचा और छोटे चचा को कुछ खाने मत देना, अगर वो खाए तो कांड हो जाएगा भैया, सुन लो। परिवार बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। ओ नो, माँ और चाची ने अभी उन्हें इतना सारा खाना दिया है, हमें उन्हें रोकना होगा। माँ रुकिए, खाना मत दीजिए। माँ, हमें इन लोगों को खाना खाने से रोकना है। चेताली, अविनाश मत खाइए, छोड़ दीजिए। अरे भूख लग रही है। अविनाश ने, चेताली भूख लगी है, खाने दो। अविनाश मेरी बात सुनिए। अविनाश, अरे अविनाश, ऋषि भूख लगी है जी। बेटा बेटा भूख लगी है, दे दे मेरे को। अविनाश मुझे भी दो थोड़ा। क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? पता नहीं अंश, कुछ अजीब सा दर्द हुआ मुझे। दर्द हो रहा है बहुत जोर से। स्प्रेन आ गई होगी, चले मैं आपको कमरे तक छोड़ देता हूँ। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना आजा, मुन्ना। मुन्ना, आज, माँ, आज, क्या हुआ? मुन्ना, मुन्ना, पत्थर, मुन्ना, मुन्ना पत्थर का बंदियां जी, क्या हुआ? मुन्ने को आपके आसपास कोई बुरी शक्ति दिख रही है। मेरे आसपास? मेरे? सफेद बार? ये मुन्ना के हाथ में कहां से आया? रूबी को भी ऐसा ही बार मिला था। ओह नो, क्या हुआ? आई थिंक एक और छलायन पैदा हो चुकी है। क्या? लेकिन हमने इन्हें कुछ नहीं खाने दिया, बस बस चाचा जी ने थोड़ा सा खा लिया था। मैं पहुंच जाऊंगा। निशान जी, क्या कहा उस राक्षस ने? निशान जी, वो सौदा करना चाहता है। कैसा सौदा? सावी की जिंदगी का सौदा। अगर हमें सावी चाहिए तो जिस लड़की की तलाश उसे है, हमें उस लड़की को उस तक पहुंचाना होगा। पंडित जी, मेरी जिंदगी में मुझसे बहुत कुछ छीना गया है, लेकिन
मैं उस राक्षस को मेरी बच्ची सावी को मुझसे छीनने नहीं दूंगा। चलिए विशाल जी, क्या वाकई हम सावी बिटिया को बचाने के लिए उस लड़की को उस राक्षस को सौंप देंगे? आप जानते हैं ना कि यदि ऐसा हुआ तो ये उस लड़की की जिंदगी के लिए खतरा हो सकता है। आप सच बताइए, आप उसके लिए तैयार हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप एक रीवा वंशी हैं और लोगों की जान बचाना हर रीवा वंशी का धर्म है निशान जी। लेकिन मैं एक पिता भी हूं और अपनी बेटी की सुरक्षा करना एक बाप का फर्ज है। चलिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।